सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्लाजो पैंट की लेटेस्ट डिजाइन बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा ली हूँ, मैं इसको मैं फोर फोल्ड करी हूँ। यहाँ पे मैं पहले नाचिक के लिए भैंस की निशान लगा चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी लंबाई 36 इंच है, ये 1 इंच मैं फोल्ड करने के लिए ली हूँ। यहाँ पे मैं आसन का निशान लगाऊंगी, ये आसन है मेरा 14 इंच। इसको मैं भी ऐसे करके गोलाई कर दूंगी। यहाँ पे मैं म्यारी लगाऊंगी, अपनी मर्जी अगर लगाने के लिए तो लगाए, वरना नहीं लगा तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करके उस पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं म्यारी फोल्ड करूंगी। यहाँ मेरा 8 इंच मीडियम फोल्ड हो जाएगा, देखता ये मेरी 14 इंच आसन है। हाँ, तो मैं अभी सिलाई कर रही हूँ, इसमें मुझे लेटेस्ट डिजाइन बनाना है, तो ये मैं कपड़ा ऐसे ऐसे ले रही हूँ, इसको मैं अभी ज्वाइन करती हूँ। ये बनाऊंगी, चुन बनाऊंगी इसको ऐसे फोल्ड करके, ऐसे करके इसको ऐसे 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 करके फोल्ड करके। ऐसे फोल्ड करेंगे, हाँ ये फोल्ड हुआ मेरा। ऐसे करके मैं पूरा बना लूंगी, फिर बना ऐसे बना लूंगी पूरा, ये ऐसे बन गया। वैसे मैं बना ली हूँ, अभी फिर मैं इसको लगा के आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं इसको पैंट की सिलाई यहाँ दबा सिलाई दूंगी, आधे इंच पे मैं ऐसे दाब दी हूँ सिलाई, फिर अभी उसको ऊपर से मैं दाब सिलाई दूंगी। मैंने पूरी सिलाई कर ली, अब यहाँ पे ऐसे इसको खोल के यहाँ पे दाब सिलाई लगा, ये सिलाई ऐसे करके खोल कर बराबर करके दाब सिलाई। इसमें मैं एक और डिजाइन बनाऊंगी, ये देखिए, इसको पहले मैं यहाँ से शुरू से फोल्ड करूंगी, ऐसे करके यहाँ लाऊंगी, इसको मैं 3 तरह सिलाई करूंगी। ऐसे 4 फोल्ड में की हूँ, ये डिजाइन है, 4 फोल्ड कर ली हूँ। अब इस पे मैं इसको ऐसे करके बैठा दूँ, देखिए इसको ऐसे सीधे की तरफ ये चुन रखूंगी और ऐसे करके बैठाऊंगी। भी ध्यान रखने का ये सिलाई पे नहीं है, ये जो फोल्ड हुआ है वो सिलाई पे नहीं आना चाहिए।
अच्छी लगती है। सेकंड पे इसको फोल्ड करते हैं, ये ऐसे लग गया है। इस पर मैं भी दाब सिलाई चला दूंगी फिर ऐसे बैठ जाएगा, लेकिन मैं दाब सिलाई चला रही हूँ। इसको ऐसे डेढ़ इंच नाप के, डेढ़ इंच इधर निशान लगा लेना है और डेढ़ इंच का इधर निशान लगा दो। मैंने निशान लगा ली हूँ डेढ़ इंच करके, इस पर सीधी सी सिलाई चला दूंगी। अभी मैंने इसको एक सिलाई चला ली हूँ, अब इसको मैं प्रेस भी कर ली हूँ। अभी एक एक करके ऐसे उठाऊंगी और इस पर ये मैं मोती लगाऊंगी, ऐसे मोती ऐसे करके इस पर बैठाऊंगी। ऐसे कलर का टॉप है, वो टॉप के भी डिजाइन में डालूंगी, कल आपके पास आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल पैंट कर लूँगी, देखिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये बीच सेंटर से ऐसे लेना है, पहले इस पर मैं धागा फंसाना है। देखिए ये ऐसे मोती लगाई हुई इस पर, ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा। ये लेटेस्ट डिजाइन है, मैं इसको फिटिंग करके फिर बताती हूँ। इलास्टिक में लगा रही हूँ, इलास्टिक ऐसे इलास्टिक मेरी लग चुकी है। अब इसमें मैं डबल सिलाई चलाती हूँ बीच में, इसे पहले वीडियो में भी मैं बताई हूँ इस पर ऐसे सिलाई चलाने के लिए, फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ। सिलाई चल रहा है तो इसको ऐसे ताकि कपड़े पर सिलाई नहीं हो जाए, बराबर से डाल के सिलाई चलाऊंगी इस पर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पैंट मेरा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।